हमारे साथ जुड़े रहने के लिए IBN9 न्यूज को सब्सक्राइब करें। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। दो वक्त का अन्न गरीबों को बादशाही खिला सकता है, चाहे वो ऊपर वाला हो या दुनियावी बादशाह। ऐसा ही मामला देखने में आया है कि कुदरत के कहर कोरोना से पूरे देश में गरीब लोग में भूख से हाहाकार मचा हुआ है। वही अपना घर छोड़कर कमाने के लिए दूसरे राज्यों में आ गए हैं, मगर इस कोरोना ने उनको इतना मजबूर कर दिया है कि वापस अपने ही घर जाने के लिए पैदल हो या साइकिल हो या अन्य वाहन को लेकर अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। पेट में अन्न है न अन्न का दाना और ना ही पानी है। भूखे प्यासे अपनों से मिलने के लिए अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो रहते तो इंसान की तरह हैं, मगर काम उनका बादशाहों की तरह है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर के राव स्थित सोमानी ग्रुप की तरफ से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर के राव स्थित सोमानी ग्रुप की तरफ से। पैदल यात्री हो या अन्य लोगों तक खाने के पैकेट पहुंचा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं सोमानी जी से एवं राजेश व्यास, अनिल चौधरी और डॉक्टर साहब से। इंदौर से कैमरामैन साहिल के साथ जाहिद खान। कहते हैं कि कुदरत जमीन पर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कुदरती शक्ल लेकर कुदरत का काम करते हैं, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, कुदरत का काम है इंसान को रिस्क देना, अन्न देना। कुदरत का काम है इंसान को फ़ायदा पहुँचाना। लेकिन कुदरत ने दुनिया में ऐसे लोग भेजे हैं जो कुदरत का काम करके इंसानों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। इस कुदरत के कहर ने और इस लॉकडाउन ने इंसान की ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया, और ऐसे में कुदरत के वो लोग जो परेशान हाल अपनी मंजिलों की तरफ जा रहे हैं, जिनके पैरों में छाले हो गए, पेट में अन्न नहीं और पानी नहीं, ऐसे लोगों को अगर कोई दो वक्त का निवाला दे दे तो वो ऐसे कुदरत ही कहे जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस वक्त मौजूद है इंदौर शहर से हम कुछ दूर रहू, जहाँ पर ऐसे लोग हैं जो रहते इंसानी शक्लों में हैं, मगर उनको ये कहा जा सकता है कि हाँ, अगर कुदरत है तो वो यहाँ बसी है। हम बात करते हैं तो ऐसी शख्सियत सोमानी जी से कि सोमानी जी के दिमाग में ये कैसे आया कि हम इंसानों को फ़ायदा पहुँचाएँ और इस लॉकडाउन में जब लोग बाहर निकालने में डर रहे हों और वो खाना बांट रहे हों, साथ ही साथ इंसानों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। हम बात करते हैं सोमानी जी से कि इनके दिमाग में ये कैसे आया और ये गरीबों का अन्न पहुंचाने के बाद इनको कैसा महसूस हो रहा है। सोमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएं आपको क्या ये दिमाग में आया और कैसा लग रहा है? ये जब लॉकडाउन हुआ उसी दिन से मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ बेसहारा या किसी तकलीफ वाले आदमी की मदद करूँ। मैं जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसी के 2-3 दिन बाद राहुल थाने गया और TI साहब से बोला कि मेरे को खाना बना के बांटना है। तो उन्होंने बोला, सोमानी जी, अभी नेता लोग और बहुत लोग इस काम में लगे हैं, जिस दिन आपकी ज़रूरत लगेगी मैं आपको फ़ोन करके बोलूँगा और आपको परमिशन देके फिर अपन खाना बनाना, फिर आप बनाते बांटते रहना। 10 दिन निकले, 6/4 के दिन मेरे पास में TI साहब का फ़ोन आया कि सोमानी जी कहाँ पे हो। मैंने कहा, भैया मैं घर पे सो रहा हूँ 3 बजे दिन में, कि सोमानी जी 300 टिफिन रोज़ आपको बनाना है सुबह शाम। साहब बिल्कुल बना देंगे। कब से बना दोगे? साहब आज से ही बना देंगे। तो बोले, अभी 3 बज रही शाम को, कब तक खाना दे दोगे? मैं कहा 300 टिफिन 7 बजे दे देंगे। क्या बनाओगे? मैं कहा सब्जी पूड़ी बना देंगे। बोले, क्या बात कर रहे हो आप, 7 बजे तक 300 टिफिन दे दोगे? मैं बिल्कुल दे देंगे साहब, आप परमिशन दो। मैं गया, बोले आप थाने पे आओ। मैं गया वहाँ, SP साहब जो उनने परमिशन जहाँ से ले रखी थी, और फिर बताएं क्या, फिर परमिशन मिली और फिर खाना बांटने का काम। अभी तक कितने लोग आपके यहाँ से भोजन ग्रहण कर चुके हैं? अभी तक करीब 75,000 लोगों को खाना बांट चुके हैं। कैसा लगता है आपको खाने? बहुत अच्छा लगता है, पर अब जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो लगभग निकल चुके हैं, जो फंसे हुए लोग हैं निकल चुके हैं। और जिन लोगों को खाना देते थे हम, लगभग वहाँ 3-4 जगह से हमको मना कर दिया कि अभी खाना नहीं चाहिए। ऐसे लॉकडाउन की हालत में आप सब्जी? लॉकडाउन की हालत में हमारे एक मित्र हैं, परम मित्र सुनील जी चौधरी, किसान हैं, और उनने पूरी मदद करी और 1.5 महीने तक हमको पूरी हरी सब्जियां उन्होंने प्रोवाइड कराई।
निःशुल्क 30 किलोमीटर दूर 400 किलो 200 किलो सब्जी लाते थे और वो फ्री में मेरे को आके सब्जी देते थे। इस हालत में आप हमारे चैनल के माध्यम से तो उन धनवान व्यक्तियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सब ये पैसा कभी काम में नहीं आता है और पैसे का कोई उपयोग नहीं है। जो अभी 1.5 महीने में मैंने सीखा है, आदमी को पैसे का या कोई बड़ी वस्तु की ज़रूरत नहीं है, आदमी को सिर्फ खाने की ज़रूरत है और आदमी व्यवस्थित खाना बना के अगर आदमी को मिल जाता है तो पैसे से कई गुना ज़्यादा है। आपका नाम? मैं मुकेश सोमानी राहू से। तो आप थे मुकेश सोमानी जी, इतना लोगों को खाना बांटने के बाद चेहरे पर शिकम नहीं, खुशी है। हम आगे बात करते हैं उस अन्नदाता से जिससे देश चलता हो, जिससे देश का निज़ाम चलता हो। उसी शख्स ने यहाँ पर भी अपना लहू दिया और साथ ही साथ अपने साथ वो सब्जियां हरी अपनी खेत से निकाल कर लाके फ्री इन्होंने अपनी सेवाएं दी। हम बात करते हैं सुनील चौधरी जी से। चौधरी जी, आपका स्वागत है। कैसा लगता है आपको सब्जियां? बहुत आनंद आया मेरे जीवन में। अश्वमेध यज्ञ जैसा मेरे को लगा कि मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ और वो आहुतियाँ डली जो कभी जीवन में सोचा नहीं था कि मैं मेरा जीवन ऐसे विपरीत समय में जनता के काम आएगा। और सोमानी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनकी वजह से मेरे को ये पुण्य कार्य करने में इनका साथ मिला। डेली कितनी सब्जियाँ लाते थे? 2 क्विंटल सब्जी डेली लाता था। 30 कट्टे आलू 30 कट्टे प्याज अलग से लाते थे। कभी दूध भी लाया, मीठे भी बनवाई सबको प्रोत्साहित करने के लिए। छोटा मोटा जो हमारे वर्कर है जो काम कर रहे थे साथ में उनके लिए भी कुछ ना कुछ। कभी किसी के लिए जूते लाया, कभी बाईपास पे जूते बांटे। ये सब काम करने में बहुत बहुत मजा। आपका नाम? सब्जी लाते हुए गिर गए। सब्जी लाते हम आगे बात करते हैं राजेश व्यास जी। राजेश व्यास जी का किरदार भी अलग है। ये रहते कहीं है और बसते कहीं है, मगर इनका किरदार इनके शरीर की तरह है। ये जब भी मदद करते हैं तो इतनी ही करते हैं जैसे आपका किरदार। हम आपसे बात करते हैं राजेश जी, कैसा लगता है आपको काम? पहले तो मैं IBN 7 की टीम को और IBN 7 के पूरे स्टाफ को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हम लोगों को जैसे छोटे लोगों को पूरा कवरेज करने के लिए टीम आई है। इसलिए पहले तो दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है साहब कि गरीब आदमी को, जो आदमी को पैसे देने के बाद भी आज टिफिन खाना नहीं मिल पा रहा, अच्छे अच्छे करोड़पतियों को, वो लोग भी उन लोगों को हमको सेवा करने का मौका मिल रहा है। जिनके 10-10 ट्रक चल रहे हैं उन लोगों के हम 50-50 टिफिन हम जाके दे रहे हैं और कच्ची सब्जियां भी दे रहे हैं। वो हम लोगों को पैसे दे रहे हैं लेकिन हमको पैसे नहीं चाहिए। हम लोग उनको सब्जी दे रहे हैं, बिस्कुट दे रहे हैं, आइसक्रीम दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं बच्चों के लिए। और आज ये स्थिति बन गई है कि पैसे देने के बाद भी बच्चों को बिस्कुट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने करीबन हमारी टीम सोमानी जी, ये हमारे संजू भैया, ये सब्जी वाले हैं, डॉक्टर साहब है, इन सब लोगों के सहयोग से, इंदू और राउ नगर पालिका के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से, विद्युत मंडल के सहयोग से, भले उन्होंने हमें आर्थिक सहयोग ना दिया हो लेकिन उन्होंने हमको इतना संबल दिया है कि हम लोग बच्चों को जो रोते हुए बच्चों को हम बिस्कुट देने में सार्थक हुए हैं। इसलिए IBN 7 की टीम को मैं दिल से स्वागत। आपका नाम? राजेश व्यास। एक ऐसी शख्स है जिनका नाम है डॉक्टर, सुन के हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर का काम है कोरोना का पेशेंट को संभालना, डॉक्टर का काम है पेशेंट को देखना, मगर यहाँ डॉक्टर साहब पेशेंट तो नहीं, गरीबों का पेट देख रहे हैं। इसे कहते हैं डॉक्टर। डॉक्टर साहब आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं, कैसा लगता है? जहाँ भी सेवा करने का मौका मिले वहाँ पर मनुष्य ने पीछे नहीं हटना चाहिए। और आज मैं इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। IBN 9 जो पहली बार यहाँ आया है, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस अच्छे से काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसी टीम जो कि अपने किसी भी प्रकार का मन में विचार न करते हुए, लाभ हानि का विचार न करते हुए मानव सेवा में लगी हुई है, ऐसी मानव सेवा की टीम के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ INB जुड़ गया है। ये बहुत बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। ऐसा अच्छा काम मैं सोचता हूँ कि सभी को करना चाहिए। पब्लिक में हमने इस लॉकडाउन में ये चीज़ महसूस की कि यहाँ पैसे की कोई कीमत नहीं है, पैसा बेकार होता है। बाकी जो अन्न और जो आवश्यक सामान जो हम लोगों तक पहुंचाया जा सका, हमें वो बांट करके बहुत खुशी हो रही, बहुत प्रसन्नता हो रही। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर चांडक राव निवासी। तो ये थे वो कुदरत के शाहकार जिनका काम इंसानों को फायदा पहुंचाना और इतना देने के बाद चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। देते 5 हैं और बताते 100 हैं, मगर यहाँ
सब कुछ दे दिया और चेहरे पे मुस्कान, इसी का नाम है कुदरत का निजाम। कैमरामैन साहिल के साथ जाहिद खान, IBN 9 न्यूज, इंदौर। में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।